बाजुए खोलने का मिला मौका और जड़ दिया इन्होंने चौका। एक बार फिर आ गए हैं धीमी गति के तेज गेंदबाज। मीरा, दिस इज नॉट फेयर यार, कल रात मैंने तुम्हें टीवी देखने दिया ना, कम से कम हाइलाइट्स तो देखने दो। अच्छा, ये याद है कि कल रात को मैच नहीं देखा, और कुछ याद रहता है? अब क्या भूल गया मैं? चेयर से उठो और कपड़े उतारो। अरे अभी तक कपड़े सूखे नहीं होंगे यार, शाम को उतार लूंगा। अरे तुम्हारे कपड़े, इट्स द 14th डे ऑफ माय मंथ, टाइम टू गेट बिजी, कम ऑन। Are you sure? Of course I'm sure. मैं अपनी साइकिल को ट्रैक कर रही हूँ ऐप पे। I've just got the notification. I'm ovulating. Let's go. Baby, मुझे भी टाइम पर नोटिफिकेशन दे दिया करो ना, मतलब एटलीस्ट गिव मी अ हेड्स अप। अभी मैं किसी और मूड में हूँ और तुम अचानक बोल रहे हो कपड़े उतारो, ऐसे थोड़ी ना होता है। I don't care. तुम कपड़े उतार रहे हो या मैं जबरदस्ती उतारूं? मीरा, एक मिनट, हाँ उतार रहा हूँ, रिलैक्स। तुम बेडरूम में तो जाओ, मैं आ रहा हूँ, सीरियसली प्लीज। अभी जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो? अरे मीरा, आ गया मैं यार, रिलैक्स। अच्छा मैं रोमांटिक म्यूजिक लगाऊं? म्यूजिक क्या तेल लेने, तुम इधर आओ। अच्छा तो मैं कैंडल्स जला देता हूँ। अरे दिन में कैंडल्स जला के क्या फायदा होगा अभी? अच्छा रिलैक्स, गिव मी 2 मिनट्स यार, मैं ब्रश करके आता हूँ। मैंने भी नहीं किया है ब्रश, तो हमारे पास ना टाइम नहीं है। पहले 24 घंटे बहुत ही क्रूशियल होते हैं, सो अपने मन की घंटी बजाओ और जल्दी से शुरू हो जाओ। ओके, कम से कम दरवाजा तो बंद करने दो मुझे। ठीक है, जल्दी से दरवाजा बंद करो, बिकॉज द काउंटडाउन हैज बिगन। तुम्हें क्या लगता है इस बार पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? अरे जरूर आएगा मीरा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना। मेहनत तो कर रहे हैं बट फोकस नहीं है हमारा। पिछले महीने हमने कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस की है। ये बात तो सही है, पिछले महीने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई हमसे। करेक्ट, बट इस महीने हम वो एक भी गलती रिपीट नहीं करेंगे जो हमने पिछले महीने की थी। वी हैव टू फॉलो द 3 P's, परसिवियरेंस, परसिस्टेंस एंड प्लानिंग। प्लानिंग तो ठीक है मीरा, लेकिन अगर इतनी प्लानिंग के बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया ना, तो तुम माँ को क्या मुँह दिखाओगे? मैं, सॉरी, मेरा मतलब है हम क्या मुँह दिखाएंगे। माँ के ताने तो तुम जानती हो, वो बोलेंगे कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि रोमांच का समय कभी भी खत्म हो सकता है, थोड़ा जल्दी कर लेते। और पापा तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे यार। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? बी पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और हमने प्रॉमिस किया है ना, तो हम पक्का पूरा करेंगे। ऑल वी नीड इज अ पक्का प्लान। हम शेड्यूल बनाएंगे, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे एंड वी विल डिलीवर द गुड्स। प्लान, शेड्यूल, डिलीवर द गुड्स, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? जरूरी है अभी, ताकि इस महीने तीर सही निशाने पर लगे। अच्छा सुनो, हम पहला निशाना लगाएंगे सुबह 8 बजे, क्योंकि उस वक्त हम दोनों फ्रेश होते। तुम फ्रेश होती हो, मुझे फ्रेश होने में टाइम लगता है। तुम्हें तो पता ही यार, आई हैव अ प्रोसेस। जब तक कि मैं ब्रश ना कर लूँ, चाय ना पी लूँ, पॉटी ना चला जाऊँ, मेरे तो कुछ करने का मन ही नहीं करता यार। ये 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। Exactly. 3 is the magical number. और हमें यही नंबर अचीव करना है every single day. देखो हमारा दूसरा निशाना होगा दोपहर के 2 बजे। It could be before or after lunch. नहीं actually ना, लंच के पहले ही ठीक है, क्योंकि तुम लंच में बहुत प्याज खा लेते हो। और हमारा तीसरा और आखिरी निशाना होगा रात के 8 बजे। तुम्हें कुछ और ऐड करना है? ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। आई थिंक 3 is too much. 2 is enough यार मीरा। और दोपहर के 2 बजे, डोंट यू थिंक इट्स एन ऑकवर्ड टाइम? काम होता है, बाहर जाना पड़ सकता है, मीटिंग्स होती हैं। 2 बजे ये कैंसिल करो यार। अभी प्लीज, हमारे पास सिर्फ ये 6 दिन की छोटी सी विंडो है और हमें इन्हीं 6 दिनों में खेल खेल जाना है। पर बैटिंग तो मुझे करनी है मीरा। आई नो, और तुम्हें अपनी लाइफ की बेस्ट बैटिंग करनी है, क्योंकि हमें इन 6 दिनों को पावर प्ले के 6 ओवर्स की तरह ट्रीट करना है। सो आर यू रेडी? यस कैप्टन, मैं जी जान लगा दूंगा। यस, तो अलार्म लगाए। 8 to 8. 8 to 8 इट इज। नहीं तो मैंने बोला क्लाइंट को कि भाई कैसे होगा शो बताइए। मैंने मांगी थी ट्रक और मुझे दिया क्या उन्होंने? टेम्पो। अब ट्रक का काम आप टेम्पो से कैसे करोगे? मतलब यू नो कैनवस छोटा हो जाता है ना आजकल। ना मैं बता रहा हूँ, क्रिएटिविटी की कदर ही नहीं है किसी को। एवरीबॉडी वांट्स टू सेव मनी। सीरियसली, आई कैन फील योर पेन। यार बातों बातों में कॉफी ठंडी हो गई यार। अब मैं, प्लीज थोड़ा इसको गर्म कर दोगे प्लीज?
अभी अभी क्या कर रहे हो तुम? अरे यहाँ क्यों लेटे हुए हो? चलो ना, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। बेबी आज स्किप करते ना प्लीज। व्हाई? बहुत ही मैकेनिकल हो गया है यार, चरम सुख का चरम ही खत्म, चार्म ही खत्म हो गया है। बस ड्राइवर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। कंडक्टर ने घंटी बजाई, बस चली। घंटी बजाई, बस रुकी। घंटी बजाई, बस चली। घंटी बजाई, बस रुकी। बस तो चलानी पड़ेगी ना, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो। डेस्टिनेशन ही सब कुछ नहीं होता है मीरा, वी हैव टू एंजॉय द जर्नी आल्सो। सी, वी आर क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल लाइफ हियर विदाउट रोमांस, विदाउट स्पार्क। कितना बोरिंग, कितना मैकेनिकल बच्चा पैदा होगा यार। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन तो एकदम जीरो होगी उसमें। जिंदगी भर बेचारा प्रेशर में जिएगा, जैसे अभी उसका होने वाला बाप जी रहा है। उसकी होने वाली माँ पर भी कम प्रेशर नहीं है। आधे घंटे तक लेटी रहती हूँ पैर ऊपर करके। प्रेग्नेंट तो हुई नहीं, कोर मसल्स बन गए मेरे। तुम्हें क्या लगता है, बहुत आसान है? बहुत मजा आता है मुझे। वही तो मैं कह रहा हूँ मीरा, मजा भी तो आना चाहिए ना। तो क्या करें, थोड़ा ऑर्गेनिकली ट्राई करते ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना काम करने देते हैं। ओके, एज यू से। थोड़ा मुस्कुरा तो दो। रहस्यमयी इस धरती पे बसेरा है लुप्त होने की कगार पे खड़े स्तनधारियों का, माउंटेन गोरिल्ला। मादा गोरिल्ला आगे की नस्ल के लिए मिलन की अहमियत को ध्यान में रख के अपना पैगाम भेजती है। नर के सामने अपनी मंशा जाहिर करती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर। पर इस नींद से भरे नर की ज्यादा दिलचस्पी है लंबी तानने में। पर ये मादा भी हार मानने वालों में से नहीं है। मादा को नर के पास जाना होगा, उसके करीब जाके उसे अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। नर को पैगाम समझते देर नहीं लगती। आखिर वो समझ ही जाता है कि मादा उससे क्या चाहती है। और फिर आती है मिलन की बेला। काश हमारी लाइफ में फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह होती। बरसात की एक रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए अचानक से गाड़ी खराब हो जाती। हीरो की लाख कोशिश करने के बावजूद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तभी दूर से जंगल में एक टिमटिमाती हुई लाइट दिखाई देती। और फिर बारिश से बचने के लिए बारिश में ही भीगते हुए वो उस रोशनी की ओर जाते। और वहां पहुंचते ही हवा के तेज झोंके से कुटिया का दरवाजा खुल जाता धड़ाक। लेकिन बारिश में भीगने की वजह से हीरोइन की बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता, उसे भयंकर ठंड लगने लग जाती। और फिर ये देखकर हीरो को एक आइडिया आता है। वो उस दिए से बॉनफायर बनाता। और तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़कती, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। और हीरोइन डर के मारे हीरो के आगोश में आ जाती है और वो दोनों होश खो बैठते हैं। और फिर 6 दिन बाद रिजल्ट। मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सीरियसली यार, हिंदी फिल्मों में कुछ भी दिखाते हैं। यहाँ पर पिछले 6 महीने से हर महीने 6-6 दिन हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारी हीरोइन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। बॉलीवुड ने कितने सालों तक हमसे कितने झूठ बोले हैं ना। तुम्हें पता है, कॉलेज में डर के मारे बारिश में मैंने किसी लड़की को गले ही नहीं लगाया, कहीं मैं उसके बच्चे का बाप ना बन जाऊं। सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग। अरे वाह, क्या बना रही हो? क्या क्या बना रही हो? तीर सही निशाने पर लगे उसके लिए मैजिक पोशन, फर्टिलिटी बूस्टर जूस। इसकी रेसिपी कहाँ से मिली तुम्हें? मम्मी ने भेजी गूगल से ढूंढकर। कुछ ज्यादा ही चिंता करती है वो हमारी। तुम हमारी पर्सनल लाइफ मॉम के साथ डिस्कस करती हो? मैं उनके साथ कुछ डिस्कस नहीं करती हूँ, वो ही डिस्कस करती है। अच्छा वो छोड़ो, इसे पियो। आज से हर रोज 8 to 8 से पहले हमें इसे पीना है और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। अरे इसे पीने के बाद तो कुछ भी खाने की इच्छा ही मर जाएगी। अरे
यार इसे दवाई समझकर पी लो। तुम हमारे होने वाले बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकते। बच्चा हो तो सही, उसके बाद देखूं मैं इसके लिए क्या क्या करता हूँ। फिलहाल इसे पियो। चीयर्स। जल्दी करो 8 बजने वाले हैं। मीरा, मीरा क्या हुआ? आर यू ओके? अरे मीरा, व्हाट हैपेंड? तुम ठीक तो हो ना? या जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या हो गया? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, आओ बैठो यहाँ पर। मैं जब से उठी हूँ ना तब से बहुत ही नॉशियस फील हो रहा है, दिल मचल रहा है और बहुत बेचैनी सी हो रही है। मॉर्निंग सिकनेस। We did it, baby. We did it. What? अरे, आज डेट क्या है? 24th, I think. तो तुम्हारे साइकिल के हिसाब से तुम 4 दिन लेट हो। अरे 4-5 दिन ऊपर नीचे होता है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। But are you PMSing? No. तुम्हारा मीठा खाने का मन कर रहा है? No. तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? No. Yes, yes, yes. You're still not down, you're not PMSing or morning sickness bhi ho rahi hai. We did it, baby! Tum mere bache ki maa banne wale ho. I'm so happy. Oh. Hi guys! So finally, Abhimanyu Meera ki pregnancy journey shuru ho chuki hai. We are very excited. I hope you guys are also very excited to see our beautiful journey. Yes, and हमें बहुत सारे messages आ रहे थे, emails आ रहे थे, which basically people wanted to see Abhi and Meera and their pregnancy journey, so here it is. And we hope कि आपको आज का episode अच्छा लगा हो. अगर लगा है तो do not forget to like, share and subscribe to Shruti Ideas Trending on YouTube. Yes, और आज फिर से हमारे episode में हमारे महान director Mr. Mohit Hussain ने एक entry दी है, special entry. और ये क्या कह रहे थे आप भाई साहब, क्रिएटिविटी की आजकल कोई कदर नहीं है? हाँ। हर कोई कॉस्ट कटिंग कर रहा है आजकल। कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, कैसे? देखो हमने भी स्टीवन स्पीलबर्ग मांगा था कि हमें डायरेक्ट करें, हमारी इच्छा थी, हमारी बचपन से इच्छा थी, फिर हमें मिले कौन? मोहित हुसैन। और हमने भी केट विंसलेट मांगी थी। ये हमारी छोटी सी टाइटैनिक है। चलो चप्पू चलाओ, चप्पू चलाओ। Thanks guys, thanks. Okay guys, so we are going to... चलो बस हो गया, बहुत हो गया भाई, bye.